अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मरियम, डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है गैस और कॉन्स्टिपेशन। 80-85% कम्युनिटी जो है वो शिकायत करती है कि हमें खाने के बाद जो है ना बहुत इशू होता है। जो खाना आधे घंटे में हजम हो जाना चाहिए वो 2.5 घंटे क्यों लेता है, तो उसकी आज रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी डाइट मॉडिफाइड कैसे करनी चाहिए कि हम लोग इस इशू को टैकल कर सकें विदाउट लैक्सेटिव, विदाउट मेडिसिन। अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए तो ना सिर्फ ये हमारी स्टमक के प्रोबायोटिक्स उनको डिस्टर्ब करता है, बल्कि हमारे पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको भी ये तंग करता है, उनको भी ये इफेक्ट करता है। हाउ डू वी ओवरकम दिस, तो उसमें आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स की जो आपको हेल्प आउट करेंगे विदाउट मेडिसिन, विदाउट लैक्सेटिव, आपको इस इशू को क्योर करने के लिए। नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है वाटर। वाटर का इनटेक जो है नॉर्मल पर्सन के लिए 3-3.5 लीटर जो है वो उसे ज़रूर डेली बेसिस पे लेना चाहिए। वाटर का इनटेक कब होना चाहिए, जब भी हम कोई फूड खा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप पानी जो है वो खाने से पहले पिएं। आधा घंटा पहले पानी पिए, उसके बाद जो है वो आप ब्रेक लो और उसके बाद आप अपना खाना खाओ। पानी खाने के दरमियान में या खाने के एंड पे पीने से जो है वो अवॉइड करें। उसके अलावा सेकंड पे हमारे पास जो स्पाइसेस हैं इसका जो है यूज़ कम करो। अब जो स्पाइसेस हैं उसको आप रिप्लेस करो अपने उसको हर्ब से। जैसे आप दोपहर का खाना खा रहे हो तो पुदीने की चटनी उसमें यूज़ कर लो। जब भी खाना खा लें तो आप खाना खाते ही लेट मत जाएं या बैठ मत जाएं, आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा ज़रूर चलें, 5 से 10 मिनट आहिस्ता आहिस्ता वॉक करने, लेकिन आप चलें ज़रूर, खाना खाते ही आप बैठ ना जाएं। नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाता है फाइबर। ये स्टिमुलेट करता है हमारी बाउल की मूवमेंट को, ये हेल्प आउट करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे आते हैं जो हार्मफुल हैं उनको ये फ्लश आउट कराने में हेल्प आउट करता है हमारी। अब फाइबर जो है, जैसे जैसे हमारी लाइफ मॉडर्न हो रही है, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं बहुत जंक फूड के ऊपर, बहुत से जो हमारे बाहर की डाइट है इसके ऊपर, तो इसमें क्या है कि हमारी डाइट से फाइबर ख़त्म होता जा रहा है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमें ये कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग, ये डिफरेंट जो है ना इशूज़, इनको सामना करना पड़ा है। अब इन सब के लिए ये कि हम अपनी जो डाइट है ना उसमें फाइबर जो है उसको ऐड करें। अब फाइबर हमें डिफरेंट चीज़ों से मिल सकता है, लाइक अब बात कर लें फाइबर का सोर्स, फ्रूट्स हम कंज्यूम करते हैं, तो आप ट्राई करो कि आप जो फ्रूट जो भी कंज्यूम करो ना उसको आप जूसेस की फॉर्म में लेने की बजाय आप उसको एज ए होल फ्रूट कंज्यूम करो। अब अच्छे फाइबर के फ्रूट्स में हमारे पास पियर आ जाता है, पीच आ जाता है, एप्पल बहुत अच्छा फाइबर है अगर आप उसको उसके पील के साथ जो है कंज्यूम करो तो। उसके अलावा हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नट्स। नट्स में हमारे पास पीनट्स आ गए, आलमंड्स आ गए, ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, इसको लेना स्टार्ट करें। इस्बगोल जो है फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास। हमारे पास सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, उसमें हमारे पास बेसल सीड्स, चिया सीड्स जो है हमारी डाइट में ऐड हो तो ये हमें बहुत अच्छा हेल्प करते हैं इसके लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑयल्स हमारे पास आ जाते हैं। ऑयल्स में हमारे पास फ्लैक्सीड ऑयल आ गया, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इसमें लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये हमारे जो है ना इस इशू को है ना टैकल करने में बहुत हेल्पफुल रोल है इसका। उसके अलावा इस ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसके अलावा ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स आ गए हमारे पास, ये अच्छा सोर्स है फाइबर का। जिनको गैस या कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू रहता है वो 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के साथ 1 ग्लास गर्म दूध लें और ना इसको यूज़ करें अपनी डेली, तो ये उनको इसके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल जो है ना साबित होगा। सैलड जो है उसको कंज्यूम लाजमी करें, आप ककंबर ले लें या कैरेट्स ले लो, रेडिश ले लो, जो भी आपको पसंद है डिफरेंट वेजेस का जो है वो ज़रूर यूज़ करें। तो अगर आपका स्टमक ठीक रहेगा, एसिडिटी नहीं होगी, तो आपको गैस वगैरह के इशू कम होंगे। होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।